भारत की एक ऐसी चमत्कारी जगह जिसे समझ पाना साइंस की बस की बात नहीं है। इस जगह में साइंस ही नहीं बल्कि दुनिया के सारे ग्राउंड्स ऑफ बिलीव्स यहाँ पर फेल हो जाते हैं। हमारे हिंदू मान्यता के अनुसार चार धाम होते हैं, पहला बद्रीनाथ धाम, दूसरा द्वारिकाधीश धाम, तीसरा रामेश्वरम और चौथा जगन्नाथपुरी। और आज मैं आपको बताऊंगा जगन्नाथपुरी के बारे में, इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आजकल के इस भाग दौड़ वाली दुनिया में जहाँ हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते करते हम ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं जहाँ लोग भगवान के होने और ना होने पर सवाल आने लगे हैं, और यही सवाल मैं आपको इस वीडियो के बाद पूछूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत कहानी को। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो साइंटिफिक लॉ के बिल्कुल विपरीत यानी उल्टा कार्य करता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हवा जिस डायरेक्शन में चलती है पतंग भी उसी डायरेक्शन में उड़ती है, और झंडे को भी उसी डायरेक्शन में उड़ना चाहिए जो कि नॉर्मल झंडे उड़ते हैं। पर जगन्नाथ मंदिर के इस झंडे की बात बिल्कुल अलग है। यह झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। पर ऐसा क्यों और कैसे होता है आज तक इसका पता कोई भी नहीं लगा पाया है। इस झंडे की खास बात यह है कि यह झंडा रोज बदला जाता है, इसलिए इस मंदिर के पांडू यानी पंडित 214 फीट ऊपर लगे इस झंडे को डेली मंदिर के ऊपर चढ़कर बदलते हैं। क्योंकि लोगों की मान्यता यह है कि जिस दिन यह झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर के बारे में ये जानकारी तो आपको पता ही होगी, पर क्या आप जानते हैं इस विशाल और भव्य मंदिर की स्थापना कैसे और किसने करवाई थी? हर मंदिर में जहाँ मूर्तियाँ मेटल्स या पत्थरों को तराश कर बनाई जाती है, पर वहीं जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियाँ लकड़ी से बनाई गई हैं। पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मूर्तियाँ लकड़ी से ही क्यों बनाई जाती हैं? आइए मैं आपको बताता हूँ। 3102 BC में जारा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते वक्त गलती से एक हिरण समझकर श्री कृष्ण जी के पैरों पर तीर चला दिया, जिसके कारण श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। फिर पूरे रीति रिवाजों के साथ उस शिकारी जारा ने श्री कृष्ण का देह संस्कार किया। पर जब उनकी चिता शांत हुई तो जारा ने देखा कि एक चमकदार चीज जो अभी तक नहीं जली थी। जारा समझ नहीं पाया कि वो चमकदार चीज क्या है, तो उसने उसे उठाया और उसे बेचने निकल पड़ा। पर उस चमकदार चीज को खरीदना तो दूर, कोई उसे हाथ तक नहीं लगाया। फिर काफी मुशक्कत करने के बाद थक हार कर जारा ने उस चमकदार चीज को लकड़ी पर रखा और पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रदेव, जो कि भगवान विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आकर भगवान विष्णु ने एक नदी में डुबकी लगाने को कहा, और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि एक लकड़ी के तने में तुम्हें उस नदी में मैं मिलूंगा। इस सपने को देखकर अगले ही दिन राजा उस नदी में डुबकी लगाने चले गए, और डुबकी लगाते वक्त राजा को थोड़ी ही दूर एक लकड़ी का तना भी दिखा। राजा ने बिना वक्त गवाए उस तने तक पहुंचे और उस तने को अपने राजमहल ले आए। फिर राजा ने बहुत से प्रसिद्ध काश्तकारों को बुलाया, पर उनमें से कोई भी उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाया। फिर कुछ दिन बीतने के बाद तीनों लोगों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके आए, और उन्होंने राजा से कहा कि मैं नील माधव की मूर्ति बना सकता हूँ। लेकिन साथ ही उन्होंने राजा के सामने कुछ शर्तें रखी। राजा ने उस बूढ़े काश्तकार से उनकी शर्तें पूछी, तो काश्तकार ने कहा, उस मूर्ति को बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन का समय चाहिए, और मैं यह चाहता हूँ कि 21 दिन से पहले ना तो कोई मुझसे बात करे, ना मुझसे मिले, और ना ही मेरे किसी भी काम में कोई बाधा डाले। राजा ने खुशी खुशी उनकी शर्तें मंजूर कर ली। फिर काश्तकार ने मूर्ति बनाने का कार्य शुरू कर दिया। रोज मूर्ति बनाने की आवाजें भी आती थी, पर कुछ दिन बीतने के बाद वो आवाजें धीरे धीरे बंद हो गई, और आवाजें ना आने के कारण अवंती की रानी को लगा कि शायद भूख और प्यास से यह काश्तकार मर गया है। इसलिए उन्होंने उस दरवाजे को खोलने की जिद की जहां मूर्ति का काम चल रहा था, और राजा को उनकी बात माननी ही पड़ी। फिर उस दरवाजे को खोला गया, और जैसे ही वह दरवाजा खुला तो उन्होंने ये देखा कि वहां तो कोई काश्तकार था ही नहीं, सिर्फ तीन मूर्तियां थी, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा, और उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में वह चमकदार चीज को भी रखी गई थी, जो कुछ और नहीं बल्कि श्री कृष्ण जी का धड़कता हुआ दिल था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको यह बता दूं कि ये कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं है, बल्कि ये एशियन एडवांस टेक्नोलॉजी का एक जीता जाता सबूत है। ये हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट करता है। इस हार्ट में अत्यधिक मात्रा में एनर्जी होने के कारण ये चमकदार है, और जैसा कि हम जानते हैं दैट स्टोन एंड मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए आइडल्स इन द जगन्नाथ टेम्पल आर मेड अप ऑफ वुड। और ये ही नहीं बल्कि हर 12 साल में एक बार भगवान जी की मूर्ति को नई स्थापित की जाती है, और यह चमकदार चीज यानी भगवान के दिल को उस नई मूर्ति में ट्रांसफर किया जाता है। पर अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्यों किया जाता है, हम उसी एक मूर्ति में भी तो भगवान के दिल को रख कर उनकी पूजा कर सकते हैं। एक्चुअली ये किया इसलिए जाता है क्योंकि जो एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस जिसे हम साइंस की भाषा में बोलते हैं, जो कि उस मूर्ति में होता है, वह इतनी ज्यादा एनर्जी ट्रांसमिट करता है दैट द वुड गेट्स डिप्लीटेड विद टाइम, और यही कारण है कि उस मूर्ति को बदलने की आवश्यकता होती है। पर इसे बदलने का तरीका भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
दरअसल हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी को भी अंदर आने नहीं दिया जाता। साथ ही पूरे शहर की बिजली भी काट दी जाती है और मंदिर के जो मेन पंडित होते हैं उनकी आंखों पर पट्टी और हाथों में बड़े और मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं और अंधेरे में इस दिल को निकाल कर उस नए मूर्ति में उसे फिर से स्थापित किया जाता है। पर आश्चर्य वाली बात यह है कि जिन पंडितों ने पास्ट में इस सेरेमनी को करी है उनका यह कहना है कि उन्होंने इस दिल को कभी देखा तो नहीं, पर उसे हाथों में पकड़ने पर ऐसा लगता है कि जैसा एक जिंदा खरगोश के बच्चे को पकड़ा हो। मान्यता यह है कि जो भी उस दिल को देख लेगा उसकी उसी समय तत्काल मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण बिना आंखों में पट्टी लगाए किसी को भी यह सेरेमनी करने की इजाजत नहीं दी जाती। जगन्नाथ मंदिर में होने वाली छोटी सी चीजों में भी कहीं ना किसी रूप में भगवान जगन्नाथ की लीला छिपी है। तो चलिए जानते हैं भगवान के एक ऐसी ही लीला के बारे में। प्रसाद बनाने के वक्त लकड़ी की आग पर 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और प्रसाद बनाया जाता है। पर अगर हम साइंस और लॉजिक्स की माने तो सबसे पहले सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पकेगा। पर जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि पूरी के इस जगन्नाथ टेंपल में सारे के सारे साइंस और लॉजिक्स फेल हैं। इन 7 बर्तनों में सबसे पहले ऊपर रखे जाने वाले बर्तन का प्रसाद पकता है, फिर उससे नीचे वाले बर्तन का, और ऐसे ही सबसे नीचे रखे गए बर्तन का प्रसाद सबसे आखिरी में पकता है। पर ऐसा क्यों और कैसे होता है इसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। इस मंदिर में प्रत्येक दिन 500 लोगों के लिए प्रसाद बनाया जाता है, पर कभी कभी भक्तों की संख्या हजारों में पहुंच जाती है। पर जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ा। यहाँ पर दिन भर प्रसाद बांटा जाता है, पर कहते हैं आज तक इस मंदिर में एक भी प्रसाद का दाना ना कभी कम पड़ा है और ना ही कभी व्यर्थ किया गया है। पर ऐसा अद्भुत एस्टिमेशन इंसानों के द्वारा कर पाना असंभव है। पुरी के इस जगन्नाथ मंदिर में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ही दर्शन करने की अनुमति है। किसी भी और धर्म के लोगों को इस मंदिर में जाना वर्जित है। किसी अन्य धर्म के लोगों को मंदिर के बाहर से ही दर्शन कराया जाता है और दर्शन कराने के पश्चात उन्हें भेज दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ जिनके नाम का अर्थ ही जगत के नाथ है, लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के द्वार पर अपनी आस्था और प्यार भगवान के लिए लेकर आते हैं। पर जैसा कि मैंने कहा यहाँ सिर्फ हिंदुओं को ही दर्शन करने की अनुमति है। जैसा कि हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी वो भी जगन्नाथ पुरी गई थी भगवान के दर्शन करने, पर उन्हें बाहर से ही दर्शन कराया गया। इंदिरा गांधी को भी दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि वो फारसी है, हिंदू नहीं, और उन्हें उनका सरनेम फिरोज गांधी से मिला है। पर सिर्फ यही नहीं बल्कि 2005 में थाईलैंड की प्रिंसेस महाचक्री सिरिंदोन को भी जगन्नाथपुरी टेंपल में अंदर जाने नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ फॉरेनर्स अलाउड नहीं है। उनके लिए अरेंजमेंट्स की गई थी और दर्शन बाहर से ही कराए गए। बट द मिस्ट्री इज नॉट ओवर हियर। इस मंदिर की खूबसूरती हम शब्दों में नहीं बता सकते। इतना विशाल और भव्य मंदिर कई सालों पहले बिना टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया होगा। पर क्या आपको पता है 214 फीट के इस मंदिर के डोम की परछाई आज तक कभी भी किसी भी जगह पर पड़ी ही नहीं। क्यों? चौंक गए ना, बट यू मस्ट बी, क्योंकि ये सच है। जगन्नाथपुरी मंदिर के इस डोम की परछाई कभी बनती ही नहीं है और हमारी फेवरेट साइंस इसका भी लॉजिक नहीं ढूंढ पाई। सुदर्शन चक्र जिसके बारे में आप सब तो जानते ही होंगे। सुदर्शन चक्र जो भगवान विष्णु का शस्त्र है और ये अज्ञानता और अधर्म का विनाश करता है। जगन्नाथ मंदिर के सबसे टॉप पर एक सुदर्शन चक्र है जिसे आप किसी भी दिशा से देखोगे तो उसकी फेसिंग आपकी तरफ ही आपको दिखेगी। हमारे ही धर्म की इतने सारे आश्चर्यजनक और विचित्र बातें हैं जिसके बारे में हमारे आज के जनरेशन को कुछ पता ही नहीं है। हम बस आंखें बंद करके किसी भी ट्रेंड और कल्चर को फॉलो किए जा रहे हैं। हम समय के साथ धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं कि हम उस महान धर्म से आते हैं जिसने दुनिया में संस्कृति, परंपरा, सभ्यता और संस्कार को पूरी दुनिया में फैलाया है। अब हमारे धर्म को हमें बचाना है। यह है सनातन धर्म। पुरी के इस जगन्नाथ मंदिर के बारे में और भी कई सारे अनसुलझे रहस्य हैं जिसे हम नहीं जानते, जैसे कि भगवान 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं आदि। क्या आप भी आप भगवान को नहीं मानते? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने फैमिलीज और अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर भेजें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय जगन्नाथ।